हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। काफ़ी दिनों के बाद एक ऐसी धमाका स्ट्रेटजी लेके आया हूं जिसको पैसा कमाने की मशीन नहीं, पैसा छापने की मशीन मैं कहता हूं। और वो प्रैक्टिकल प्रूफ है दोस्त, सिर्फ कहने की बात नहीं। रात के 8:30 बजे के शो में जो कुछ ट्रेड देते हैं, चाहे इंट्राडे हो, स्विंग हो, वहाँ पर धमाका इसी स्ट्रेटजी से होता है। तो क्या आप तैयार हैं इस प्यारी सी क्लासिक स्ट्रेटजी को सीखने के लिए, जिसको सीखने के बाद इतना मजा आएगा कि आप कहेंगे बहुत आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए। तो कुछ ऐसी ही कोशिश है जिसको हमने करने की कोशिश की है। पेपर पेन लेकर तैयार हो जाइए सीखने के लिए, जिससे आप कमाएं और दुआ में याद रख सकें। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले फटाफट मैं अपना इंट्रो दे देता हूं। मैं मुकुल अग्रवाल, एक टेडएक्स स्पीकर, बहुत सारे कॉलेज का गेस्ट लेक्चरर, सिंगापुर टेक्निकल सोसाइटी का मेंबर, उसके अलावा इंडियन अचीवर अवार्ड विनर, नेशनल अचीवर अवार्ड विनर, साथ में अब आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी चीज जो सिर्फ इंट्राडे नहीं, स्विंग और इंट्राडे दोनों जगह काम करेगी। और उससे भी प्यारी बात यह है, किसी इंडिकेटर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चीजों को कॉम्प्लिकेट करके पैसा कभी नहीं बनता है। बहुत सारे लोगों को लगता है 4 स्क्रीन लगा दे, भौकाल मचा दे और पैसा बन जाएगा, तो ये दिमाग का फितूर है। एक बड़ी प्यारी सी पुरानी लाइन है, जितनी ज्यादा एनालिसिस करते हैं वो पैरालिसिस में चेंज हो जाती है। बिल्कुल वही कहानी है मेरे दोस्त। एक चीज सिंपल सी समझिए, मार्केट आज का तो है नहीं, मार्केट बहुत पुराना है और बहुत पुराने में भी बहुत पुराने तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं। तो ये सब जो है ना दिखावा, क्योंकि ये शब्द क्यों बोला मेरे पास बहुत सर, क्या हमें 4 स्क्रीन खरीदना पड़ेगा? हमने देखा है कुछ लोगों को 4 स्क्रीन लगा के ट्रेड कर रहे हैं। प्रभु, ऐसा नहीं है। तो दिखावे पे ना जाए, सादगी पे जाए, प्रूफ मिलेगा। तो सिंपल सी चीज है कि बहुत प्यारी सी चीज, वो भाई वाली चीज सिखाएंगे कि मोहब्बत हो जाएगी स्टॉक मार्केट से। और आप कहोगे कोई भी कर सकता है, बस थोड़े से मेहनत की जरूरत है। ये जो मेहनत वर्ड है ना मेरे दोस्त, इसको कभी इग्नोर मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पैटर्न सीखने के लिए आपको डिमांड सप्लाई पहले समझना पड़ेगा, जिसकी वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखी है। 1 घंटे की पूरी पेड क्लास फ्री कर दी है, तो ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। चैनल पे है @TheMukulAgrawal, जो आपको ऊपर दिख रहा है। 6.25 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो करिएगा, पैसा बनेगा। अब शुरू करते हैं कि 1, 2, 3 क्या है। तो पहला हम बुलिश सिनारियो सीखेंगे और उसके बाद हम इसका बेरिश सिनारियो सीखेंगे, ठीक है? तो अब अगर बुलिश सिनारियो में बात करें तो ये एक लो है, 0.1 इज द लोएस्ट पॉइंट इन द चार्ट, जिसको एक मार्केट को रैली करके ले जाता है 0.2 तक। तो ये 0.1 से 0.2 की जो रैली होती है, वो मार्केट में एक ऐसा फील आता है कि बुलिश ट्रेंड है। और ये जो सेकंड पॉइंट बनता है, ये एक हाईएस्ट पॉइंट होता है। यहाँ से मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आती है और प्रॉफिट बुकिंग आके रिट्रेसमेंट होके ये 0.3 तक आता है। अब ध्यान से, ये जो 0.3 है कभी भी 0.1 के लो को ब्रेक नहीं करता है। रिपीट करूंगा, मार्केट में किसी लो से एक अच्छी रैली हुई, तो जिस लो से रैली हुई उसे हमने कहा 1। अब जहां हाई तक गया और जहां से रिट्रेस हुआ उसे हमने कहा 2। और ये जो थर्ड है कभी भी 1 के लो को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है? अब ये थर्ड से क्या होता है, मार्केट अगेन रैली करता है, ध्यान से। तो क्या हम थर्ड पे बाय करते हैं? नहीं। ये जो सेकेंड है, ये सेकेंड एक अपने आप में टॉप है और यहाँ पर ये डबल टॉप है। तो ये जब टॉप बना, ये जो सेकेंड का हाई था, ये जब ब्रेक हुआ तब आप करते हो बाय। तो इस तरीके से ये ब्रेक होने पर आप बाय करते हो। लेकिन क्या चीज़ें और हैं उसको बाद में समझेंगे, बट मोटा मोटा पहले बेसिक समझ लेते हैं कि एक लो से मार्केट में रैली होती है, रैली होके हाई बनाया, वहाँ से प्राइस रिट्रेस हुआ, प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए। अब ये 0.3 आता है, 0.3 कभी भी 1 के लो को ब्रेक नहीं करता है। अब इस 0.3 के बाद वापस से मार्केट ऊपर चलना शुरू करता है, जब ऊपर चलता है तो ये जो 2 का हाई है इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है। तो ये 2 और यहाँ पर ये पॉइंट ब्रेक, और ये जब ब्रेक
तब होता है यहां से बाय। तो ये था बुलिश सिनारियो, जिसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ए बी सी, और ये देखिए बी के ऊपर में ये ब्रेकआउट हुई तो आपके सामने रैली हुई। उसी तरीके से एक और प्यारी सी प्रेजेंटेशन, ए बी सी, और ये देखिए यहां पर जब ग्रीन लेवल पे टूटा तब बाय, और यहीं पर देखिए हाथों हाथ एक और वन टू थ्री, ये वन ये टू और ये थ्री, और थ्री देखिए यहां से जब भागा है तो ये ऊपर के टॉप टू पे जब हमने ये लेवल दिया तो यहां से टूटा तब यहां से रैली। तो इस तरीके से ये मौका देता रहता है। अब आते हैं वन टू थ्री बेरिस का कंडीशन, यानी जब तेजी समझ रहे हैं तो मंदी भी समझे। अब मार्केट में किसी हाई से मंदी आती है, मार्केट एक लो बनाता है, लो से एक रिट्रेस होता है। तो अब जिस हाई से मार्केट गिरता है उसको हम कहते हैं पॉइंट वन, जहां तक लो आता है उसे हम कहते हैं पॉइंट टू, इससे एक बेरिश ट्रेंड के बारे में पता चलता है, और यहां से वापस मार्केट ऊपर जाता है रिट्रेस करता है, और रिट्रेस करके वापस गिरना शुरू होता है तब हम कहते हैं थ्री। लेकिन हम सेल कब करते हैं? सेल करते हैं जब ये टू का लेवल टूट जाता है तब हम सेल करते हैं। तो इस तरीके से आप एक ट्रेड करते हैं ब्लिस में, एक ट्रेड करते हैं बेरिस में, यानी चाहे मार्केट में चल रही हो तेजी तो बाय करके पैसा कमाते हैं, या मार्केट में चल रही हो मंदी तो आप सेल करके पैसा कमाते हैं। लेकिन किसी भी सूरत में वन टू थ्री प्रॉपर मैनर में होना जरूरी है। थ्री के बाद जब लेवल क्रिएट होते हैं तो वो जो टू का टॉप है या टू का बॉटम है, टॉप किस कंडीशन में? बुलिश के कंडीशन में, जो आपने यहां देखा वो ब्रेक होना जरूरी है, और बेरिश के कंडीशन में ये जो टू का बॉटम है ये टूटना जरूरी है, तब आप करते हो। अब आते हैं हम चार्ट पे, देखिए ये मार्केट में एक हाई से लो बनाया, टू बना, रिट्रेस हुआ, और यहां से जब देखो ये टूटा तब सेल आया। ये देखो प्रॉपर मैंने एरो मार के सेल आइडेंटिफाई किया है कि ये सेल आया। इसी तरीके से देखो अभी आप एक दो तीन, अब तीन के बाद साइडवेज है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, बाय ऑन ब्रेक ऑफ हाई टू, ये टू, ये सारे वो ट्रेड हम आपको दिखा रहे हैं जो रात के 8:30 यूट्यूब पे लाइव आते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं, वही यानी एक प्रैक्टिकल प्रूफ आपको ये मिलना चाहिए कि भैया वही ट्रेड हमें सिखाया जा रहा है जो सच में सर हमें रात के 8:30 यूट्यूब पे देते हैं। अगर आप यूट्यूब पे फॉलो नहीं करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, रोज रात में 8:30 देते हैं कुछ ट्रेड कि हमारी फैमिली कमा सके। अब इसके ऊपर निकलता है, अब देखिए फिर से वन टू थ्री, और ये ब्रेक होने पर अगेन बाय, ध्यान से टू का टॉप ब्रेक होने पर बाय। अब देखिए हीरो मोटोकॉर्प, वन टू थ्री, थ्री देख रहे हो, थ्री इज अ रिट्रेसमेंट, जो कहीं तक भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये जब टू का पॉइंट ब्रेक हो रहा है तब आप सेल करते हो और रिजल्ट आपके सामने है। अब प्यारी सी चीज क्या है? प्यारी सी चीज ये है कि आप चाहे इंट्राडे के प्रेमी हो चाहे स्विंग के प्रेमी हो, दोनों के प्यार को ये कंप्लीट करता है, पूरा पूरा कंप्लीट करता है, कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ता है, भरपूर प्यार देता है, और वो प्यार का नतीजा है आपके सामने किस तरीके से बेहतरीन रिजल्ट, राइट? तो ये रिजल्ट आप भी ले सकते हैं, बशर्ते कुछ और चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब ध्यान रखने वाली चीज क्या है? जैसे अब ये जब यहां से टूट रहा है तो सेल करते समय क्या कंफर्मेशन लें, या ये यहां से टूट रहा है तो बाय करते समय क्या कंफर्मेशन लें? तो पहला तो ये जो सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए आपको पहले डिमांड सप्लाई सीखना पड़ेगा, करेक्ट? अब आता है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन के लिए मैंने कुछ वीडियो जैसे वीवेब, सुपर ट्रेंड, स्टोकेस्टिक आरएसआई या 5 मिनट का ब्रह्मास्त्र वाली स्ट्रेटजी, जिसके सारे लिंक आप यहां पे देख रहे हो, मैंने बना रखी है, आप उसको देखो, उससे आप कंफर्मेशन लेके जब ये चीज इनिशिएट हो रही है यहां से ट्रेड आराम से एकदम स्मूथली इनिशिएट कर सकते हो और पैसा गारंटी बनेगा। बट आई विल रिक्वेस्ट, पहले कुछ दिन तक पेपर ट्रेड करें, एक एक चीजें मैच करें, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप कैसे सोच रहे हो, उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, तब आपको पूरा फायदा मिलेगा। और बाकी किसी हेल्प के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, आपको भी फायदा मिलेगा और इससे पैसा बिल्कुल बनेगा। ये भाई वाली प्रॉमिस है जो कभी नहीं टूटी, आगे भी नहीं टूटेगी। आज से ही ट्राई करके देख लीजिए और लोगों के साथ खूब शेयर कीजिए, जिससे दूसरे भी जो परिवार से जुड़े लोग हैं वो कमा सकें, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं और सब कमाएं, यही हमारी कोशिश है। थैंक यू सो मच।
तो आई होप आज स्ट्रेटजी सीखकर मजा आया होगा, और मेरा प्लान है वीक में एक ऐसी ही प्यारी स्ट्रेटजी हर वीक आपके लिए लाऊं। तो क्या आप चाहते हैं हर वीक ऐसी स्ट्रेटजी आती रहे, आप सीखते रहें, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो सीखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को इतना लाइक कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमारा परिवार हमें मोटिवेट करता है, तभी तो हम और बेहतर आपको दे सकेंगे।